सभी दोस्तों का टेक्निकल रघु चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक HPCL के पेट्रोल पंप के कंट्रोल पैनल के रूम में खड़े हुए हैं। लोगों को जिज्ञासा होती है कि पेट्रोल पंप के मशीनें और बाकी के सारे उपकरण कहां से ऑपरेट होते हैं और कैसा रूम होता होगा। तो आज हम लोग आपको पेट्रोल पंप के जहां पर कंट्रोल पैनल्स लगे रहते हैं उस रूम को पूरी तरीके से एक एक करके दिखाते हैं। सबसे पहले ये देख रहे हैं, ये L&T का 200 एम्पियर का मेन स्विच है। ट्रांसफार्मर के द्वारा सबसे पहले चार तार इसमें आते हैं और इसी से सप्लाई पूरे कंट्रोल पैनल को दी जाती है। आप ध्यान से देखिए, ये 200। तो आप सभी ने देखा कि पंप का इलेक्ट्रिकल पैनल किस टाइप से होता है और क्या क्या इक्विपमेंट पंप पर लगे होते हैं। आप एक बार फिर देखिए, और भी पंप के बारे में यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं कि किस तरह से पंप में इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन किया जाता है, आप कमेंट कर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, तभी हम लोग आगे और भी इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो आपको देंगे, जो कि आप लोगों की ज्ञान को बढ़ाता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।